अरज सुनो या मेरा कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी अरज सुनो या मेरा आज आज कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी अरज सुनो कुदरत कन्ने में बेटी सत्वान की तेरे सत्वान की जिंदगी इतनी अब आखिरी स्टेम बेटी सत्वान की जिंदगी इतनी अब आखिरी स्टेम बेटी हेरे बिना पति के मेरी मझधार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा हो मेरे दिल पे लागे चोट मेरे दिल पे लागे चोट हरगिज भी नहीं डालूंगा और चीज तू तो और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनों ते हारूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनों ते हारूंगा हर झोली फैलाई दुखिया ने हे महाराज मेहर कर दो समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो हो मैं फिर मांगो महाराज
कुछ भी मांग करो यकीन राजपाट हेरी राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए पुती परवीन। और बेटी सावित्री जी महाराज बेखट के आज बेखट के मांगो सावित्री दे दिए वचन एक दो तीन बेखट के मांगो सावित्री दे दिए वचन एक दो तीन अरे सास ससुर का उजियाला दे दो अच्छा? जो दुश्मन ने छीन लिया वो जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख दे एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख दे मुझको बेटा प्यारा हो मने ना चाहिए कुछ और मने ना चाहिए कुछ और गौर करे अपना वचन निभाले मेरी अरज सुनो वचन पूरा हुआ महाराज हो गया सास ससुर तरपन सूझते आंखों का उजियारा दिया छलते लिया जो छलते लिया मंत्री ने जा वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ छलते लिया मंत्री ने जा वापस राज तुम्हारा दिया। हेरी वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। बेटी सावित्री तूने तीन वचन मांगे। पहले वचन में अपने सास ससुर के नेत्र मांग लिए। यमराज का वचन है जा तेरे सास ससुर के नेत्र बिल्कुल खुल जाएंगे उन्हें दिखने लगेगा। और जो तूने दूसरे वचन में राजपाट मांगा है ये भी यमराज का वचन है ततास्तु तुम्हें राजपाट भी तुम्हारा वापस मिल जाएगा। बेटी तीसरा वचन ये यमराज का वचन है जा तेरी ही कोख से एक सुंदर सा लड़का होगा अब वापस चली जा। नहीं जाऊंगी। वापस चली जाओ। नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपने मेरा तीसरा वचन अभी पूरी नहीं किया। पूरी नहीं किया? नहीं किया पूरा। अच्छा हाँ महाराज आप जरा गौर से सोचकर वचन पूरा करिए कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं होगी। यमराज से कोई गलती नहीं हो सकती पूरे होश हवास के साथ में ये तेरा तीसरा वचन पूरा किया है। आप सहमत हो इस बात से पूरी तरह से कि आप कोई गलती नहीं कर सकते? मैं गलती नहीं कर सकता। आपने तीसरा वचन पूरा कर दिया है। पूरा कर दिया वापस जाओ। नहीं जाऊंगी महाराज। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनिए। कहिए। हरे ख्याल करो हरे राम बैसले अकल ठिकाने ल्याओ रे। क्यों? बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो न ते मेरा पति चिवाओ रे।
सावित्री, क्या आज इस विधि के विधान को तूने उलट के रख दिया, इस यमराज को तूने ऐसे बातों ही बातों में फंसा लिया। एक ये तुम्हारा पिता होने के नाते बेटी, इस संसार में लोग हंसा ही ना हो, जब तूने मुझे फंसा ही दिया है तो बेटी एक निकालने का रास्ता भी तूने सोचा होगा। इस यमराज को इस माया जाल से निकालो, ना जाने मैं क्या कह गया, मेरी जिभ पर ये क्या हो गया जो मैं एक मुझे नहीं पता। या तो आप वचनों को पूरा कीजिए, जो मेरा तीसरा वचन है वो पूरा कीजिए महाराज, और अगर तीसरा वचन पूरा नहीं कर सकते तो वचन हार हो जाइए, और अगर वचन हार भी नहीं होना चाहते तो सिर्फ एक ही उपाय है आपके पास, एक ही रास्ता है, मेरे पति को जिंदा कर दीजिए महाराज, इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। बेटी सावित्री, मैं ये भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे पति को वापस जिंदा कर दूं, लेकिन ये भी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुझसे विनती करता हूँ बेटी, इस यमराज को बचा ले। अगर आप ऐसे गिड़गिड़ा रहे हो, हाँ। तो आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बेटी कहा, बिल्कुल एक बेटी के नाते मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ। आप कहते हो कि मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, हाँ। हे महाराज ये बताइए कि मेरी आयु अभी कितनी बकाया है। बेटी तेरी आयु तो अभी बहुत लंबी है। अगर मेरी आयु बहुत लंबी बाकी है तो जितनी भी मेरी आयु बची हुई है उस मेरी आयु में से आधी आयु आप मेरे पति को दे दीजिए महाराज। जब मेरी आधी आयु आप मेरे पति को दे दोगे तो मेरे पति भी जीवित हो जाएंगे, हमारे एक संतान भी हो जाएगी, और जब दोनों की उम्र बराबर होगी तो एक काम और होगा महाराज, क्या कि जब दोनों की उम्र बराबर होगी तो सत्यवान सावित्री जिएंगे भी साथ साथ और सत्यवान सावित्री मरेंगे भी साथ साथ महाराज। धन्य हो तो बेटी ले, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। हो यमे राजे होया लाचार